हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको साइंस की जर्नल्स जो ब्रांचेस हैं उनके जो फादर्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। नाइन्थ क्लास में आपका जो पहला चैप्टर है वो कोशिका है, लेकिन उससे पहले ये जनरल चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। इसलिए पहले हम ये आपको जनरल थोड़ी सी नॉलेज दे रहे हैं साइंस की कि विभिन्न जो उसकी ब्रांचेज हैं उनके फादर्स कौन हैं। तो पहला आपके इसमें है फादर ऑफ बॉटनी, क्या नाम दिया हुआ है, थियोफ्रेस्टस, यानी कि बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है, थियोफ्रेस्टस है। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, इन्हें अरस्तु भी कहते हैं और एरिस्टोटल भी कहते हैं। ये किसके हैं, बायोलॉजी के, और ये जूलॉजी के भी हैं। फादर ऑफ जूलॉजी के, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, वो भी एरिस्टोटल ही हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया जानते हैं आप लोग, तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड एंटोनी वॉन लीवेनहुक, रॉबर्ट कोच और फ्रेडरिक कोच और लुईस पाश्चर, ये सभी इसमें आते हैं, क्योंकि इन सभी ने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। लेकिन एंटोनी वॉन लीवेनहुक को ज़्यादा अच्छे से माना जाता है और मॉडर्न में लुईस पाश्चर को माना जाता है, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दी थी, जो अभी अपन जानते हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव है ना, ओ पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ए नेगेटिव, ये जो ब्लड ग्रुप उन्होंने डिवाइड किए वो किसने बताए थे, कार्ल लैंडस्टीनर ने इनके बारे में बताया था। इसके बाद फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे ने बताया था कि ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट होता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, ठीक है, साइटोलॉजी में क्या है, सेल्स के बारे में जिन्होंने बताया वो रॉबर्ट हुक ने। इसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, आप जानते हैं कि कंप्यूटर किन ने बनाया, चार्ल्स बेबेज ने। साइंस में कंप्यूटर का आजकल बहुत महत्व है, इसलिए यहाँ पर फादर ऑफ कंप्यूटर बताया जा रहा है, चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी यानी थॉमस एडिसन, इन्होंने जितनी भी अपने शरीर में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इन ग्रंथियों के बारे में सबसे पहले थॉमस एडिसन ने बताया था, इसलिए है ना इनका नाम लिया जाता है फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी में। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, ठीक है, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होता है अर्थशास्त्र के बारे में। फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मिचेल फैराडे, ठीक है। इसके बाद फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेंजामिन फ्रैंकलिन। फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन, ठीक है। इवोल्यूशन जो जीवों का विकास हुआ है, पहले जीव एक कोश के थे, सरल थे, उसके बाद इतने ज़्यादा डेवलप हुए, किस तरीके से पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति हुई होगी, किस तरीके से आज के आधुनिक जीव बने होंगे, ये इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है। और चार्ल्स डार्विन ने इसके बारे में रिसर्च शुरुआत की थी, इसलिए फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स जी जे मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया कि किस तरीके से माता पिता के करेक्टर्स, पेरेंट्स के करेक्टर्स जो लक्षण हैं वो किस तरीके से संतान में जाते हैं, माता पिता के लक्षण किस तरीके से संतान में जाते हैं, है ना, जिस कारण से जाते हैं उसको उन्होंने जीन्स नाम दिया, और ये जेनेटिक्स, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग करके बताए थे। फादर ऑफ जियोमेट्री यूक्लाइड और फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन टर्निंग। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंटोनी लर्निड या लेवोसिस लेवोसिया डी लेवोसियर, एंटोनी लर्निड डी लेवोसियस। इसके बाद है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स गैलीलियो गैलील। इसके फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसन, मेडिसन आप लोग जानते हैं दवाई के बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया वो हिप्पोक्रेटस। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर जॉर्ज फर्डिनेंड ड्रकर। फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी विलहेल्म वंडेंट। और फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी न्यूक्लियस कॉपरनिकस। फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेंसर। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल लिनियस। फादर ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी रिचर्ड स्मेली। फादर ऑफ सर्जरी सुसूत्रा। फादर ऑफ हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स अर्नेस्ट रदरफोर्ड। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस होमी जहांगीर बाबा, यानी इन्होंने भारत में जिन्होंने न्यूक्लियर साइंस की खोज की रिसर्च करी वो कौन थे, होमी जहांगीर बाबा। फादर ऑफ फिजियोलॉजी सिगमंड फ्रेड।
फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल बर्ग, फादर ऑफ जीन थेरेपी फ्रैंक एंडरसन, फादर ऑफ यूजेनिक्स फ्रेंसिक गाल्टन, फादर ऑफ पैलिनोलॉजी आर्टमैन, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एडवर्ड ओ विल्सन, फादर ऑफ जेनेटिक्स हुगो डी ग्रीस, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन इन इंडिया वार्गेस क्रीन, फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर अरुण कृष्णा, फादर ऑफ रेडियो साइंस इन इंडिया जे सी बोस, फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी एम ओ पी लेंगर, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल दिमित्री मेंडली, फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री ओटो हान।